बस स्टैंड में तमाम ड्राइवरों से और जितने भी यहाँ से श्रीनगर बाउंड गाड़ियां और रामबन के लिए गाड़ियां जो भी जा रही हैं, ये ट्रैफिक पुलिस जम्मू की तरफ से आप सबको ये इत्तला दी जाती है कि कोई भी इस तरफ ना जाए। ये रास्ता टोटल बंद हो चुका है। ये आप दोबारा सुन लें, ट्रैफिक पुलिस जम्मू की तरफ से आप सब लोगों को ये इत्तला दी जाती है, जो गाड़ियां रामबन और श्रीनगर के लिए जाना चाहती हैं, वो कृपया करके कोई भी गाड़ी यहाँ से ना जाए, आगे रास्ता टोटल ब्लॉक है। तो ये मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि श्रीनगर के लिए और रामबन के लिए जो भी गाड़ियां यहाँ से जाना चाहती हैं, ये रास्ता बंद हो चुका है, तो कृपया करके सेफ रहें, जम्मू में ही रहें और अपने घरों में रहें। तो ये मैं आपकी दोबारा से दरख्वास्त कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो भी गाड़ियां श्रीनगर और रामबन के लिए जाना चाहती हैं वो ना जाएं, रास्ता बंद हो चुका है। और तमाम सवारियों से इतला दिया जाता है कि वो अपने अपने घर चले जाएं, ये आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बेहतर रहेगा। तमाम जम्मू कश्मीर व लद्दाख के आवाम से ट्रैफिक पुलिस जम्मू ये दरख्वास्त करती है, ये अपील करती है कि आज 7 जनवरी है, आज जो दरमियाना गाड़ी थी, जितनी भी गाड़ियां थी दरमियाना, कोशिश की गई है उनको निकालने की, मगर मौसम के बिगड़ने के कारण, दोबारा बारिश हो जाने के कारण ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। इसीलिए तमाम आवाम से जे ट्रैफिक पुलिस जम्मू दरख्वास्त करती है कि आप लोग घरों में ही बैठे रहें, क्योंकि जो रास्ता है हमारा नेशनल हाईवे है, आज के समय में वहाँ पे चलना खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही मौसम क्लियर होगा, रास्ता क्लियर होगा, आप सबको अलाउ किया जाएगा जाने के लिए। इसीलिए आप लोगों से ये दरख्वास्त की जाती है कि आप लोग जो नगरोटा में है वो वापिस मुड़ जाएं, क्योंकि शायद जो दरमियाना गाड़ियां निकल रही थी वो भी फंस गई हैं। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग वापस अपने अपने घरों में चले जाएं और रास्ता क्लियर होने का इंतज़ार करें। ट्रैफिक पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, हमेशा आपके साथ खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। थैंक यू।